में स्वागत है और आज हम वैदिक गणित में पढ़ने वाले हैं परम मित्र। आप सोच रहे होंगे कि ये परम मित्र क्या होता है। हम बताते हैं परम मित्र क्या होता है। जिन दो अंकों का योगफल आपस में मिलकर 10 होता है वे आपस में परम मित्र कहलाते हैं। आपको अभी भी समझ नहीं आया तो हम आपको पढ़ाते हैं। ये देखो, एक में हम 9 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10, तो ये एक का परम मित्र हो गया 9। तो अब वैसे दो का आप बताइए, दो में हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। वेरी गुड। हम दो में 8 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। अब तीन का बताते हैं, तीन में हम 7 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। तो ये 3 और 7 भी परम मित्र हो गया। अब 4 का आप बताइए, 4 में हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। वेरी गुड। हम 4 में 6 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। अब तो ये दोनों हो गए परम मित्र। तो अब हम 5 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। वेरी गुड। हम 5 में 5 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। तो 5 और 5 दोनों भी मिलकर हो गए परम मित्र। तो अब वैसे ही 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। तो 6 और 4 हो गए परम मित्र। और 7 में हम 3 जोड़ेंगे उत्तर आएगा 10। तो ये दोनों भी हो गए परम मित्र। और अब हम 8 में 2 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। तो ये दोनों भी परम मित्र हो गए। और 9 में हम 1 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 10। तो ये भी हो गए परम मित्र। और इस परम मित्र को ध्यान में रखना है, ये आगे के गणित में भी आपको हल करने में बहुत मदद करेगा, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिए। तब तक के लिए बाय।